आज की वीडियो में मैं सैंडविच बनाने की सिंपल और अलग रेसिपी बता रही हूँ, जिसे आप अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये सैंडविच बहुत यम्मी और टेस्टी होते हैं, आप बच्चों को बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं सैंडविच। उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सैंडविच बनाने के लिए लेंगे ब्रेड। ब्रेड को साइड से काट लेंगे। ब्रेड को साइडों से काट लिया है। सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिए हैं कटी हुई प्याज, टमाटर, उबले हुए आलू। अब इन पर डालेंगे हल्का सा नमक। मैगी मसाला, अब कटे हुए ब्रेड लेंगे, हरी चटनी, लाल ब्रेड की स्लाइस पर पहले थोड़ा सा बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद लगाएंगे हरी चटनी। अब लगाएंगे लाल चटनी। दोनों चटनी लगाने के बाद अब इस पर रखेंगे टमाटर, आलू, प्याज, थोड़ी सी हरी चटनी, टमाटर, सैंडविच बन गए हैं। या तो आप सैंडविच को रोस्ट करके खा सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। एक तवे को गरम करके उस पर डालेंगे थोड़ा सा घी। आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तवा गरम हो गया है, अब इस पर सैंडविच डाल। सैंडविच को हल्का सा पुश कर देंगे, जिससे ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। सैंडविच एक साइड से सेक चुके हैं, अब इन्हें दूसरी साइड से भी सेक लेंगे और हल्का सा पुश कर देंगे। सैंडविच दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। मेरी यमी और टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने प्लेटिंग भी कर ली है। आप इन्हें गर्मा गर्म अपने घर पर भी बनाकर खा सकते हैं। मेरी सैंडविच बनाने की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप भी अपने घर पर ये सैंडविच जरूर बनाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।